Welcome to our YouTube channel. So today we are going to tell about how to write a congratulation letter to friend for wedding anniversary. शादी की सालगिरह के लिए दोस्त को आप कैसे बधाई पत्र लिखें, कैसे बधाई देंगे, उसके बारे में दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्टली दोस्त, योर फ्रेंड्स नेम, प्रिय आपका दोस्त का, जो भी आपका दोस्त का नेम है जिनको आप वेडिंग एनिवर्सरी में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, दोस्त का नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया योर फ्रेंड्स नेम. Mention here, dear, your friend's name. आपका friend का name आ जाएगा. उसका दोस्तों आपको लिखना है, next line start करना है. I feel very happy to know that your wedding anniversary is on 19th April. मुझे यह जानकर बेहद मतलब सुखद अनुभव हुआ कि आपकी शादी की सालगिरह 19 अप्रैल को है. I feel, मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ. फील मिस होता है दोस्तों महसूस करना, तो यहाँ सुखद अनुभव करना. आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत सुखद अनुभव कर रहा हूँ. टू नो दैट, यह जानकर कि योर वेडिंग एनिवर्सरी, आपका जो शादी की सालगिरह है वो 19 अप्रैल को, इज़ ऑन 19th अप्रैल. आई फील वेरी हैप्पी टू नो दैट योर वेडिंग एनिवर्सरी इज़ ऑन 19th अप्रैल. सेकंड लाइन आएगा दोस्तों उसका, मे दिस ओकेजन, यह अवसर पर आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए. मे दिस ओकेजन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. मे दिस ओकेजन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. यह अवसर, ये जो ओकेजन, यह जो अवसर है वो आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए. हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, आपके जीवन में आए. उसका दोस्तों आएगा, आई वुड वेरी हैप्पीली ज्वाइन, मैं विशेष समारोह में बहुत खुशी से आपके साथ शामिल होता. आई वुड वेरी हैप्पीली ज्वाइन यू फॉर स्पेशल फंक्शन. स्पेशल फंक्शंस, बट आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर सम इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क. लेकिन ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण काम से मुझे शहर से बाहर जाना है. आई वुड वेरी हैप्पीली ज्वाइन यू फॉर स्पेशल फंक्शंस, बट आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर सम इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क. मैं विशेष समारोह में बहुत खुशी से आपके साथ शामिल होता, लेकिन ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण काम से मुझे शहर से बाहर जाना है. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आएगा. आई होप यू लाइक माई गिफ्ट विच आई हैव सेंट यू टूडे टू एक्सप्रेस माई हर्ट फेल्ट फीलिंग्स. जो मैंने आज आपको अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भेजा है, मुझे आशा है कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आएगा. और जो मैंने आज आपको अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भेजा है, आई होप यू लाइक माई गिफ्ट विच आई हैव सेंट यू टूडे टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट फीलिंग्स. उसके बाद आएगा दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी को जीवन में शुभकामनाएं और आपका भविष्य उज्ज्वल हो. विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर. और आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपका जो फ्यूचर है, आपका भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो. विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर. उसके बाद दोस्तों आ जाएगा नीचे, आपको लिखना है सिंसियरली, और आप अपना नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे. सिंसियरली के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद आप अपना नेम मेंशन करेंगे. तो दोस्तों ये था कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, बिल्कुल इजी एंड शॉर्ट में आज मैंने आपको बताया है. जब शॉर्ट में कैसे आप अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उसके वेडिंग एनिवर्सरी में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन